मन करा उतर के 1.5 साल मुझे पता है मेरे फेस को देख के लगता नहीं है लेकिन मुझे पॉलिटिकल थ्रिलर शोज बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है देन डोंट फॉरगेट टू वॉच डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, अभी सीजन 3 तक पहुंच गया है। और अगर नहीं भी देखना है तो एक बार डेजिग्नेटेड सर्वाइवर सीजन 1 का ट्रेलर यूट्यूब पे जरूर देख लेना। सीजन 1 बहुत अच्छा है, सीजन 2 थोड़ा स्लो है लेकिन इंटरेस्टिंग है, लेकिन सीजन 3 तो ओ माय गॉड नेक्स्ट लेवल पे है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी 2 दिन पहले मुझे मेल आया DJI से, बोलते हैं भाई हमको आपको DJI का एक्शन ऑस्मो कैमरा देने का है। मैंने बोला वो तो ठीक है, जरा ड्रोन शोन भी दो भाई, अपने ड्रोन की जरूरत है। बोलते हैं भाई ड्रोन जब लीगली लॉन्च होगा तभी अपन देंगे, फिलहाल एक्शन कैमरा से काम चलाओ। तो अभी वो डिलीवर हुआ है कशिश भाई के पास, तो अभी अपने को बोरा बाजार जाना है। एक्चुअली वसीम ही जा सकता था लेकिन वो क्या पर्सनली जाके लेने में वो फील है, तो अभी अपन बोरा बाजार जा रहे हैं। गए फिर से बारिश नहीं हो रही इसलिए जा रहा, मन नहीं जाता। आज ट्रैफिक बहुत है यार, बारिश नहीं तो धूप, धूप नहीं तो ट्रैफिक, वरना सब कुछ। दिख तो अच्छा रहा इसका माइक अडैप्टर, सेम GoPro जैसा ही है सर। सेम GoPro? अरे DJI ने तो डबल गेम खेल लिया यार, अगर सेम GoPro का अडैप्टर लगता है मतलब। और ये वसीम का वड़ा पाव हो गया, वड़ा पाव। ओ तीन वड़ा पाव खाएगा तू? नहीं माफी, आज अगर बड़ा पाव खा लिया तो कल इडली में पास्ता कैसे खाऊंगा। समझदार को इशारा काफी। तो थैंक यू सो मच DJI फॉर दिस, मैं इसको घर जाके अनबॉक्स करूंगा और जरा ड्रोन वोन का भी जुगाड़ करो। और आप में से जो मुझे पहले से देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैं हमेशा 2 कैमरा रखता था, एक तो मेरा मेन DSLR कैमरा और दूसरा पॉइंट एंड शूट कैमरा जैसे कि G7X Mark II था मेरे पास, लेकिन मैंने बेच दिया क्योंकि मुझे ये जगरनॉट लेना था बहुत महंगा वाला। तो मैं अभी सोच रहा हूँ अभी सब कुछ स्टेबल हो गया तो और एक कैमरा लूँ, और एक कैमरा से ये वाला सोनी A6400। सुनील भाई देख रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो ठीक है 1-2 महीने में हम ले लेंगे। और जो मैंने रोड वायरलेस गो माइक USA लिया था, इंडिया में अवेलेबल नहीं था, अभी फाइनली इंडिया में अवेलेबल हो गया है कशिश भाई के पास, या ऑनलाइन भी हर जगह मिलता है। लेकिन अगर आप बॉम्बे से हो या बॉम्बे आ रहे हो, बोरा बाजार विजिट करो, यहाँ ब्लॉग बना बहुत अच्छा ब्लॉग बनता है, व्यूज भी उसको अच्छा आते हैं, तो यहाँ पर आके अगर ये लेते हो, प्राइस मैं नहीं बता सकता, सही नहीं लगता है प्राइस, क्योंकि कशिश भाई अलग डिस्काउंट देंगे और मैं बोलूँगा अलग प्राइस बोलूँगा, नहीं बोल सकता। तो कशिश भाई के पास जो आ रहे हो, कशिश भाई अपने सब्सक्राइबर लोगों को जरा अच्छा जरा देख लेना, ठीक है। एंड गाइस दिस इज अ गुड माइक, इसका मैंने स्पेशली वीडियो बनाया खुद अपने पैसों से लेके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दूंगा, अगर नहीं देखा तो देख लो। चुम्मा माइक है ये, तो तिजोरी दिखती है, इसको बोलते हैं ड्राई कैबिनेट ना, ड्राई कैबिनेट। इसका उपयोग होता है जितने भी हार्ड ड्राइव्स हैं, लेंसेज हैं, फंगस नहीं लगेगा और मॉइस्चर नहीं लगेगा सर, समझ गए। और मेरा ये जो कैमरा है इसका जो डिस्प्ले है उसमें बाकायदा फंगस लगा हुआ था, मुझे अभी दिखा और पूरी कोशिश की निकालने की, लेकिन फिर भी थोड़ी फंगस की पॉपुलेशन रह गई। इंटरेस्टिंग चीज है यार, रेव करो वसीम, सब कुछ हिल रहा है। और मेरे को आज समझ में आया कि ये लोग लद्दाख क्यों लेके जा रहे, मेरे को आज समझ में आया ये बाइक लद्दाख क्यों लेके जाते हैं, इसकी हेडलाइट कितनी गर्म है यार, लाइक कभी ट्राई करके देखो, हाथ रख के देखो, एकदम गर्म गर्म फील होता है, मतलब चक्का लगा ऐसा। नहीं लद्दाख में जाने का ठंडी में ये सब करने का मस्त ठंडी से राहत मिल जाएगी। आप वसीम को अभी एक ही चीज़ की जरूरत है, एविएटर्स पहन, पान खा, टोपी पहन और बन जाएगा वसीम शेख राजा बाबू। सस्पेंडेड ऑफिसर वसीम शेख रिपोर्टिंग सर। घर में तो आ गए लेकिन अभी अनबॉक्स करने का टाइम नहीं, क्योंकि शर्जील ने कल्याण में एक रेस्टोरेंट खोला है तो वो चाहता है कि मैं और वसीम भी वहाँ पर जाके एक बार देख ले, तो वापस आके अनबॉक्स करूंगा। फिलहाल तो थोड़ा रेडी होता हूँ बिकॉज बहुत अनग्रूम लग रहा है ना, तो 3-2-1 और ये हो गए ले अपन रेडी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी ये वाली मूछ जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रही है और पॉइंटी ग्रो हो रही है, तो थोड़ा मुझे यहाँ पर ट्रिम करना पड़ेगा। जो भी है जैसा भी है, हर चीज़ का इलाज होता है समय, तो समय पर छोड़ दो, खुद ब खुद ग्रो हो जाएगी। अभी अपन निकलते हैं बाहर बिकॉज शर्जील वेट कर रहा है नीचे। थैंक यू शर्जील फॉर वेटिंग। वसीम को जब घर से निकलते तभी सब कुछ याद आता है कि मैंने वॉलेट नहीं लिया, मीवी नहीं लिया, वॉशरूम नहीं किया और फलाना ढिमकाना। एक्चुअली मेरी भी गलती थी, मैं भी भूल गया था बहुत कुछ। सो 40-60 मेरी 40% गलती, 60% गलती मेरी, क्या गलती? आप मानोगे नहीं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सो गया और हम लोग कल्याण आ भी गए, समझ में ही नहीं आया, सो गया था मैं।
आउट हो गया था, सपना भी देख लिया मैं, क्या सपना देखा याद नहीं लेकिन देख लिया था मैंने सपना, बच गया अभी टकला फूटता वैसे लगता नहीं, नहीं नहीं इसमें कुशन डाला हुआ है yeah. ओहो ये तो फुल है, तो सोके खाने वाला जगह है, ऐसी जगह बहुत डेंजरस होती है ना, आप खाते हो और आप ऐसे बैठ के और ऐसे ऐसे हो जाते हैं, उठते हो फिर वापस खाते हो वापस हो जाते हैं, ऐसा हुआ है और बहुत पहले हुआ है जब हम लोग बाहर घूमते थे सैटरडे नाइट को, मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई, लेकिन जो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ वो है क्या है, सीताफल क्रीम, का मैं लाइफ में कभी नहीं खाई है, मैंगो का सीजन था मुझे मैंगो खाने का मन कर रहा था, लेकिन सीताफल क्रीम ओ माय गॉड रूह खुश हो गई मेरी, रूह खुश होने बोलते हैं मेरी जो अंतरात्मा है वो खुश हो गई खा के, तो मैं दो खा रहा हूँ, चीट किया मैंने, बट ठीक है कोई नहीं, अपना पंचे में घर पे पड़ा है कभी भी कर सकते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग वंस अगेन, तो लास्ट नाइट हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी खाना खाने के बाद, नींद तो ऐसी आ रही थी कि पूछो मत, तो घर पे आया सब कुछ अनबॉक्स किया, ये ऑस्मो एक्शन अनबॉक्स किया, बाद में मैं सो गया, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर और इसको इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कितना अच्छा कैमरा है ये। आज मैं चला रहा हूँ आशीष की छोटी सी प्यारी सी लेकिन तेज गाड़ी इग्निस, क्योंकि मुझे जाना है टाउन और ऑडी लेके जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बिकॉज पार्किंग नहीं मिलती और बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती है। ऑल्सो आशीष इज प्लानिंग टू सेल दिस कार, मैं सोच रहा हूँ खरीदने के लिए, लेकिन सोच रहा हूँ बहुत मजेदार गाड़ी है बॉस। हेलो, रिक्शा वाला हैड चेंज, ही वाज डूइंग नॉट अप। शानिस के पास 500 रुपए थे, बिल हुआ था 140 और रिक्शा वाला बोलता है चेंज नहीं है, शानिस बोलती है मेरे पास भी नहीं, क्या करें, बोलता जिससे आप बात कर रहे हो उसको पूछो चेंज है कि नहीं, एंड में मैंने बोला शानिस को कि उसके उलगस रहता है, सो क्या क्या फनी चीज है, दो ना तुमने कहा भैया नहीं है कहाँ से दो, अरे से दो ना ऐसे करे पर मेरा छुट्टा नहीं है, नहीं करे 500 रुपए का नोट दो, मेरे पास छुट्टा है, तो बोलो वन आवर 50 मिनट्स लगा मुझे पवई से JVLR, JVLR से टाउन इधर मरीन ड्राइव, और यहाँ पर कहाँ जाना चाहिए अपने को? We have to go like fort. So more 1.5 kilometers to go, 11 minutes. ओहो पूरा लाल दिखा रहा है शानिस। हम यहाँ पर पहुंच गए हैं लेकिन पिछले 10 मिनट से सिर्फ गाड़ी लेफ्ट और राइट और गोल गोल घूम रही है, बिकॉज हमको पार्किंग नहीं मिल रही है। वेलकम टू साउथ मुंबई जहाँ पर पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है और घर तो बोल लीजिए उसके लिए बहुत माल चाहिए, तो अभी क्या बोल रहा है भाई, कोई तो गाड़ी निकालो और ये कोई महाराजा फोर्ड एंडियोवर वाले ऐसे ही पार्क करके चले गए रास्ते में, हमको तकलीफ हो रही है क्या करो सब ऐसे ही ब्लैंक फेस लग गई है किसका गाड़ी है भाई, मन कर रहा था उतर के दिल डालो साले। And that's why, ladies and gentlemen, मैं ऑडी नहीं लाया। Oh, thank you so much, आशीष। एक घंटे का पार्किंग का पैसा गेस करो। 200 रुपीस। But ठीक है यार, ऐसी जगह पे पार्किंग मिलना ही बहुत बड़ी बात है। पेट्रोल फूकते रहो गोल गोल घुमा के। अगर आपको बॉम्बे का रियल स्ट्रगल देखना है ना, तो साउथ बॉम्बे आओ गाड़ी लेके क्या खूबसूरत बिल्डिंग है बॉस, ये बिल्डिंग का नाम इस्माइल बिल्डिंग था, अभी ज़ारा बिल्डिंग है और यहाँ पर फोटोज बहुत अच्छी आती है, तो अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो तो जरूर फोटो लो। शानिस देखो कैसे कब से फोटो ले रही है, फोटो ले, तो अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो और अगर आपको फोटो चाहिए तो दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस टू क्लिक पिक्चर्स, जो अभी मैं और शानिस करने वाले हैं। So much, Shanice, for the amazing photo. यहाँ पर फोटो वाकई में बहुत अच्छी आती है और परफेक्ट टाइम होता है सनराइज एंड सनसेट, बिकॉज सनराइज के टाइम में सन यहाँ रहेगा और अभी सूरज देवता यहाँ पर है, तो परफेक्ट लाइटिंग आ रही है अपने को बॉस। थोड़ा लोग आ रहे जा रहे वो तकलीफ हो रही है और हम भी उनको तकलीफ दे रहे हैं, पर चलता है उतना चलता है, और मेरा 10,000 रुपया हुआ, 10 फोटोज लिए मैंने अच्छी। आशीष चंचलानी का नंबर मिलेगा। अब जब ये खूबसूरत बिल्डिंग के सामने फोटो खिंचाओगे तो आपको ये लोग दिख जाएंगे, परमिशन लेके फोटो खींचना। थैंक यू सर। गाड़ी में और बाइक में आने का नुकसान ये कि आप चल के ये खूबसूरत जगह देख नहीं पाते हो, तो आज थैंक्स टू शानिस मैं जगह पे चल रहा हूँ, मतलब बॉम्बे वाली फीलिंग यहाँ पर आती है। टाइम लैप्स लेने का मन तो है मुझे, लेकिन मुझे लगता नहीं कैमरा बीचों बीच रख के मैं टाइम लैप्स ले सकता हूँ, और हम लोग को जाना भी, बिकॉज और 2 मिनट रह गए पार्किंग के लिए और 200 रुपए देने पड़ेंगे, मेरे पास छुट्टी नहीं है। आई लाइक योर स्लीपर्स शानिस, सैंडल्स,
एलएसी लिया था $38 फॉरएवर 21। तो अभी हम लोग आए हैं बांद्रा में, ट्रैफिक में तो बहुत हालत खराब हो गई थी, बट देन सो फार सो गुड। अभी भूख बहुत लगी है, हम लोग जा रहे हैं फार्मर्स कैफे में। एंड राइट नाउ आई एम व्लॉगिंग विद ऑस्मो एक्शन, प्लीज लेट मी नो हाउज द क्वालिटी, ऑल्दो ऑडियो इतना क्लियर नहीं होगा बिकॉज ये माइक ज्यादा बेटर है, बट फिर भी आई एम प्रीटी श्योर दिस कैमरा इज डूइंग अ गुड जॉब। बांद्रा में की एक खास बात ये कि यहाँ पर हेल्दी रेस्टोरेंट के बहुत अच्छे ऑप्शन रहते हैं। जस्ट हैड अ नाइस ब्रंच, और शुड आई से आफ्टर लंच क्या बोलते हैं, ब्रंच कैसे बोलेंगे, जस्ट हैड गुड फूड, बहुत ही हेल्दी खाना खाया हमने। अगर बांद्रा से हो तो कौन सी जगह थी, दिस वाज फार्मर्स कैफे। फार्मर्स कैफे क्या चल रहा है, मसाज थेरेपी, कसम से तुम लोग टॉम एंड जेरी बन जाते हो कसम। एनीवेज गाइस, क्या कुछ दिखेगा भी तो छुपा दूंगा, टेंशन मत ले। एनीवेज गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, यहां तक देख लिया है तो लाइक दबाओ। दो दिन का व्लॉग था, पता है इतना लंबा नहीं बना, लेकिन जितना हो सका मैंने किया बिकॉज बहुत ही हेक्टिक डे में मैंने व्लॉग किया है, जब जब मौका मिला तब तक कैमरा पकड़ा है। सो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आवर लवली फ्रेंड्स। और आज मुंबई में गाड़ी चला के बैंड बज गई मेरी, इग्निस नहीं होती ना तो मैं इग्नाइट हो जाता और किसी को थोड़ा लगता। आज मुझे इतना टाइम बाद चला के समझ में आया कि भाई मुंबई की हालत कितनी खराब है, और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का सुख आज समझ में आया, और मैनुअल का दुख भी। क्या तुमको मजा आ रही है इंजन को पकड़ते हैं, मेरी उंगलियां ठंडा है, नहीं गर्म है, गर्म है एकदम, लेबल लेबल की टी-शर्ट पहने क्योंकि पहले कोई बोलता नहीं था वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, तो मैं ऐसे करता था हे गाइस वेलकम बैक, सो टुडे आज मैं जा रहा हूँ बाहर सैटरडे घोड़ा है। आशीष चंचलानी का नंबर मिलेगा, आशीष दे दू क्या?